तो आज का ब्लॉग शुरू करें फ्रेंड्स। आज सैटरडे, घर से ही ब्लॉग शुरू। आज हमारे यहाँ थोड़े से गेस्ट आने वाले हैं बाराबंकी से, क्योंकि अप्पी है मेरी, क्योंकि देखा होगा आपने उनके घर गए तो बहुत अच्छा से उनके घर से भी व्यू दिख रहा है। दूसरे दो उसी जगह गए थे जहाँ हमने देखा होगा हमने फिश फ्राई खाया था, बिरयानी खाया था, क्योंकि दो घर गए, तीन तीन चार चार घर गए थे ना। थोड़ा सा आप लोगों को भी सोचने में थोड़ा सा देर लगी कि कहाँ कहाँ के वाले लोग आ रहे, तो इसीलिए तो बस ये अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक वैफिक बहुत होता है। बहुत उनकी बेटी को भी बुलाया लेकिन वो नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। आती तो अच्छा लगता मुझे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो गाड़ी में बहुत ज़्यादा वॉमिट होती, मेरे भी होती है, बट अब थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाती है इंसान की। लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर अम्मी जो है, मेरे कॉमेंट्स पढ़ी ब्लॉग में आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स है, तो थैंक यू सो मच। और ड्राई स्किन के लिए कोई फेस में बताएं इंशाल्लाह ये वीडियो में, अगर वीडियो लेंथी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया बोरोलिन रात में लगाइए, सुबह साफ चेहरा फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छी। दादी अम्मा भी मेरी हमेशा बोरोलिन का ट्यूब रखती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी ना, हमेशा लगा दाग चले जाते हैं। बोरोलिन से आपके दाग धब्बे वाला नहीं, ड्राई स्किन मतलब रूखी, जैसे मेरी स्किन अभी इस टाइम बिल्कुल रूखी हो रही है। फ्रेंड्स अभी हम नीविया का इतना बड़ा बॉडी लोशन भी लगाएंगे ना, वीको से स्किन दो ऑयली थोड़ी ना होती है इस टाइम, पता है इस टाइम समझ में आती है, इस टाइम हवा में जो है थोड़ा सा होता है मसला, तो इसीलिए हमें हमारी जो स्किन होती है स्किन को प्रोटेक्ट करना सही रहा। फ्रेंड बस सो था के उठ गए थे, अम्मी ने हमें जल्दी उठा दिया कि उठो मेहमान आ जाएंगे फिर उठोगी तो इसीलिए। और फ्रेंड कल मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होते थे, बच्चा है बच्चा के मतलब गिर गए बहुत ही बुरी तरीके से। कौन सा हादसा? गिरे है जो रात में। अच्छा तो झाड़ू गिरे। कौन सा हादसा हो गया भैया? मुझे पता चला घर के अंदर। ये फ्रेंड सो रही थी, हम जो उठे हैं ना, हमने सोचा रात में मोबाइल लगा लेते हैं उधर, हमने कम उधर नेटवर्क अच्छे आते हैं तो उधर पे नेटवर्क मिल जाते हैं, क्योंकि जियो का टावर वहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ देखा हमारे घर में ये होता है, 40 रुपये किलो प्याज आती रहती, बीच बीच में नान खटाई वाला हिंगवटी वाला ऐसे ही होता है। कभी भी गली कूचे में फ्रेंड मकान ही लेना चाहिए, 10 रुपये 4 केले वाले। हाँ बस यही होता रहता है यार, नींद हराम रहती है सुबह से। देख रहे हैं जाओ भैया आगे बेच लो जाके। तो बस यही है था मसला। और क्या बता रहे थे? आंटी आ गई थी, आंटी बिजी सब पूछे शादी का भी फ्रेंड, सही वक्त सही मौके पर इंशाल्लाह सब कुछ बताएंगे। ठीक है अभी अभी से नहीं बता सकते हम थोड़े से लिए, अभी रात की कॉमेंट हम सुराज ने पढ़ रहे थे बैठ के, मैं शादी कब आपके अम्मी इंशाल्लाह बताएंगे, मेरी और भाई के साथ में होगी तो इसीलिए एक दिन बारात जाएगी और एक दिन अभी टाइम है बहुत अच्छा खासी, तो इसीलिए अभी नहीं, अभी तैयारी रिफंड करने में बहुत टाइम लगता है। जब घर में दो दो शादी होती तो पहले से इंसान को ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ती है, पहले एक का करना पड़ता है फिर दूसरे का करना पड़ता है, तो इसीलिए बड़ी का सामान भी जाता है दहेज भी जाता है, तो मतलब ये सब होता है। तो अभी से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह जाके होती रहेगी, फिर दिवाली बाद अगले नवंबर के आखिर तक बताई बताई भी करें, इसीलिए अभी से सब समेट समेट के रख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमने सोचा अभी रख देंगे, रखने के बाद फिर नीचे से नीचे चला जाएगा, फिर आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम अभी से वीडियो डाल दिया है। और जो कपड़े वपड़े रहेंगे इंशाल्लाह, कपड़े भी अटैची में मेरे रखे हुए हैं सब, कभी निकालेंगे तो उसकी भी आपको वीडियो शूट करके रख लेंगे इंशाल्लाह, अगले महीने तक वो भी डाल देंगे। और जब जब इसीलिए हम हटा रहे हैं पहले से कि अभी शादी में तो टाइम है, लेकिन अभी से हमने सोचा कि आप लोग को दिखा रहे थे कि अब जब रख देंगे तो फिर रख देंगे, फिर बाबा निकल नहीं पाएगा बार बार, और फिर नीचे जा जाके क्योंकि दुकान में रखा नीचे तो जाएंगे नहीं, बाहर सब आदमी आदमी रहते कि बाबा दिखाएं आप लोग को, अभी इसीलिए हम घर पर जो सामान था वो आप लोग को दिखा दिया था। और अब जो वही डाइनिंग सेट एंड लाएंगे ना, और आ गए अम्मी को देख रहे मेरे जूते कैसे उल्टे जूते देख रहे, बहुत सारा पैर में तकलीफ है। फिर अभी बताएं कैसे गिरे थे, रात में नींद में उठे उठते साथ ही हम भर से ज़मीन में गिर गए और वही पैर के बल से उससे बहुत तकलीफ, कल लंगड़ाते लंगड़ाते मार्केट गए हम। फिर दम पे लगी बिरयानी तो बन गया है हमारा कोरमा, ये अम्मी सैलेड बना रही है। और यहाँ पे जो है नाश्ता हो रहा है लुचाई का, क्योंकि लुचाई मिल रही थी उस टाइम पे, तो मेहमान आ गए तो मैंने लुचाई मंगाई, जलेबी मंगाई, सब कुछ मंगाया। उसके बाद जो है फिर डैडी का जोर की नमाज़ पढ़ गई, उसके बाद खाने का टाइम हो गया, तब बस खाना गर्म को सैलेड बना ली थी और बिरयानी हमारी गर्म हो रही थी, हमारा चिकन भी गर्म हो रहा था और ताफरानी रोटी मंगा ली थी, तंदूरी रोटी भी मंगा ली थी। और इसके बाद जो है सब ने मिल के खाना खाया, हम तो फ्रेंड्स तंदूरी रोटी खाते क्योंकि ताफरानी हमें नहीं अच्छी लगती है, इसलिए हम तंदूरी खा लेते हैं। और यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं बैठ के। और उसके बाद जो है आगे का व्लॉग, सामान का व्लॉग आप लोग देखिएगा, जो जो हमने सामान लिया था शादी के लिए, देखते जाइएगा जो जो आते जाएगा इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। ठीक है पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए अम्मी ने जो भाई अम्मी कह रहे हैं भाई ने वहाँ से मंगवाया था, मतलब भेजा था कोरियर करके कार्गो से, इतना हैवी सामान तो ला नहीं पाते। और ये जो बहुत अच्छा होमवेयर का बल कुकवेयर सेट है कुकिंग वाला, और नॉनस्टिक का बहुत ही अच्छा वाला फ्रेंड्स, बहुत क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो बस धीरे धीरे दिखाते जा रहे आपको, ये देखिए तवा है,
दो कढ़ाई हैं बड़ी वाली, एक बड़ी साइज़ की, एक छोटी साइज़ की है। और ये सबसे अच्छा मुझे, सबसे मतलब ऑल टाइम फेवरेट मेरा ये वाला टी पॉट है। इसमें 2 कप 3 कप चाय आप आराम से बना सकते हो, बहुत ही अच्छा है ये। और अम्मी कहीं हमको तो हमने कहा नहीं देंगे, ये एक ही है इसमें। और ये देखिए इसमें जो है सबकी लिड से कांच वाली, और ये देखिए कढ़ाई है, ये वाली कढ़ाई है, देख कितनी अच्छी है। इसमें 2 से 3 किलो मुर्गा बन सकती है, सब सामान है इसमें। ये वाला सादा एक तवा है तो सही। हाँ बस बस बहुत कुछ नहीं बन रहा। ये लो मैं इसका, ये बबल रैप पे, ये है वो अंडा उबालने वाला मशीन। ये मेरे लिए आई है इमरजेंसी, इन्वर्टर के टाइम में इमरजेंसी। तो क्या बोलो, जो बोल मिलेगा, ये तो अस्लान का है, ग्रूमिंग किट है उनके, उसमें इनके डाले में जाएगा। ये हमारा फूड प्रोसेसर, ये हमारा पूरा फूड प्रोसेसर है। ये रखो तो गिरे ना, तो मेरा नहीं है। क्या उसमें ऐसा करते हैं, इसी में अपना कर देते हैं सब सामान। ये सब तो काटने का साथ ही, एक स्लाइसर है, क्या करना हमको, ये तो ये डैडी का है। और ये हमारा है ये फ्रेंच टोस्टर, वो टोस्टर कह रहे ग्रिलर तो नहीं होता है, ये देखिए ग्रिलर है ये। और ये हमारा ये बीटर वाला है, वही हमारी नाइफ का सेट है, ये जैसे मार्बल कोटेड है इसलिए ये भी मार्बल कोटेड, उसी में रख देती है ये वाला, नहीं इसमें आ नहीं पाएगा उसमें। और ये हमारी डैडी का सामान है, ये हमारे घर का एक है, एक घर का अलग रखो अपना अलग रखो। एक ये मैं ले जाऊंगी और एक घर को छोड़ दूंगी, ये तो घर का है, एक मेरा। ये हम क्या करेंगे, क्या है बुर्ज खलीफा ले जाके क्या करेंगे, दूसरा वाला वही वाला है, पहले वाला बस। ये सामान वही असलान की ये सामान इसमें लगा देते हैं फ्रेंड्स, इतना बड़ा कार्टून कोई चीज है। हाँ इसी में रख देंगे सर सामान, हम यही सोच रहे करने के लिए। क्या फ्रेंड्स ये अम्मी खोल रही हैं, देखिए हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, अरे वही मसाला दान नहीं होता है फ्रेंड्स, वही है ये। और ये जो हॉटपॉट मंगाए थे ये है इसमें। और अब हम सोच रहे हैं क्योंकि अभी ऊपर भी बहुत सारे फ्रेंड्स सामान रखा है, अभी इसको इस साइड में कर देते हैं, उसके बाद जो सामान निकलेगा उसमें इसको एडजस्ट कर देंगे। ये है फ्रेंड्स, ये अच्छा लग रहा है ना, मेरा किचन बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगे, ओपन किचन है, उसमें साइड में लगा लेंगे तो बढ़िया लगेगा। हाँ आप निकाल लें, बस आगे रहती है मेरी अम्मा जान, बस उल्टा था ना। अब बस ये थोड़ा सामान बचा है इसमें, इसमें वेस्टी का डिब्बा, नहीं इसको इसी में रखे रहने देंगे। और ये जो है इसमें फ्रेंड्स एक जगह आप नीचे दुकान में रखवा देंगे, क्योंकि ऊपर से वही रात में सामान उतर आएगा, फिर कल जो है सब उठा कर नीचे पहुंचवा देंगे। ये खोलो बच्चे, अभी से भी कोई एनर्जी लो कर ली होगी ना आपने, तो इतना बड़ा गीठा नहीं खुल रहा है इनसे, मेरी अम्मा जान से किनारे लगा देना, बहुत टाइट बन रहा है ना गीठा, फाड़े नहीं पन्नी इतनी बड़ी बड़ी कहाँ चलाएंगे, लाओ छोड़ो छोड़ो खोल देंगे फ्रेंड। इसमें जो है वो कलाम पाक का कवर है, ऊपर का जो बॉक्स होता है फ्रेंड्स वही है। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरे जो डैडी लेके आए हैं, बहुत ही प्यारा सा मेरे लिए, जब भी कलाम पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसका सवाब मिलता रहेगा। और उसके बाद इसमें नीचे जो है वो बेलन पटरा है, बेलन पटरा, ओ
माय गॉड, ओ माय गॉड, टूट जाएगा, मम्मी टूट जाएगा। मम्मी ऐसे नहीं, उल्टा ओपन करा आपने। यस, तो सीधा ओपन कैसे होगा फिर? अरे अरे अरे, ये थर्माकोल ऐसे पूरा फाड़ा नहीं जाएगा, उसको ऐसे करके निकाला जाएगा। पहले से फटा हुआ है ना वो, हम थोड़ी फाड़ रहे हैं। फ्रेंड्स ये वाला है बेलन पटरा, ये देखिए इसी में तो पटरा सटरा भी अंदर ही रखा हुआ है, फटा जा रहा है, इसलिए निकाल दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे यार अब निकल, देने में गलती हो जाएगी यार। देखिए कितना अच्छा सा है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारे जो रिलेशन में कोई भी लोग हैं, मतलब जो कुछ भी हैं, तो सब सोच रहे हैं कि दहेज लगेगा। तो उस दिन चाची भी कहती जब लगेगा, जब देखेंगे, अम्मी ने कहा नहीं लगाने गाने वाला, अब दौड़ नहीं रह गया फ्रेंड्स, क्योंकि लगाता है इंसान बड़े अरमानों से, उसके बाद जो लेने वाले जो आते हैं वो भर भर के ठूस ठूस के थर्माकोल से लेकर सब कुछ तोड़ ताड़ के ले जाते हैं, कई सामान डैमेज होते हैं। और तभी तो होती नहीं भैया, औरतें जो होती हैं, औरतों को ज़्यादा सही रहता है, लड़के आते हैं सोचते जल्दी निकाल निपटाओ जल्दी ली चलो। तो इसीलिए अम्मी ने सोचा है कि इसमें जो है यूट्यूब पे ज़्यादातर हमारे लोग देखने वाले हैं, जो भी हमारे जानने वाले, हमारे पहचानने वाले, हमारे अजीज़ लोग हैं, वो सब जो हैं इसी पे देख लेंगे। सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सबको, सबको होता है फ्रेंड्स, हम लोग को भी दूसरों की शादियों में बहुत। चार्जर ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोस्टर दिखाना आप लोग को बोल कर, तो ये है टोस्टर। बस फ्रेंड्स मुझे टोस्टर वोस्टर की आदत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इसमें कड़क हो जाते हैं। क्या टोस्टर ले जाना तो मुश्किल है, तब भाई को वही देगा सेट। हाँ ग्रिलर वाला, हाँ। ये ट्रे का सेट जो है इसमें साइड में इसमें डाल देते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें जो प्लास्टिक की रहेंगी इसमें डाल देंगे। ये रखो अभी दूसरे निकालने के चक्कर में, अभी रहने दो, बाद में देखा जाएगा। अभी अभी इतना बड़ा जूसर उसमें खुद ही है का मसला नहीं है, उसमें सब लगा लें। और ये अपने कैरी बैग जो हैं अपने, ओ माय गॉड, देखो 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 ना निकालो, ये इसी में डाल दी। इसमें क्या है? है इसमें स्टील का सामान है सब, जानमाज तो। और वही ये करो भैया, इसका सेटअप करो, चादर अदर दिखा दो, काम खत्म करो। फ्रेंड्स एक ही चादर ली थी हमने, सब कॉटन की, क्योंकि स्पोर्ट वाली लेना नहीं है, बेड वेड बिछती नहीं है। एक ये लिया था तो हम पहले से ले के रख लिया था फ्रेंड्स, चादर इतनी सस्ती मिलती फ्रेंड, 10-12 बाद में इंसान खरीद लेता है। और सेट वाला जो कम्फर्ट है छोटा था, वो हम बाद में भी दिलाएंगे एंड टाइम पे, क्योंकि बहुत बड़ा सा होता है। और बस हमें इसको मत खोलो ना, ओए ये तीन हो गई हैं, ठीक है। बता तो दिया हमने, चार हो गई हैं, चार और एक इसी में। पाँच पाँच बेडशीट फ्रेंड्स हो गई हैं, इसी में टावल भी रख देते हैं एक, और ये वाली टावल जो है टावल पन्नी अलग लाओ, अलग रखते हैं। अब अलग हम कहाँ से इस टाइम लाए टावल की पन्नी, उसी में रखो, तौलिया लाएंगे ना। हाँ अभी तो ये हमने ले लिया था वैसे ही, उसी में उसी के अंदर रखना है बस। अरे नहीं कौन देख रहा है इतना, लाए थे दो दिख रही, पता नहीं एक छोटी भी तो थी सेट, इसके अंदर घुसी होगी हमें लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। तीन ही बड़ी तौलिए हैं, कॉटन वाली नहीं होती फ्रेंड्स, वही वाली है। जानमाज एक बार आप खोल के दिखा सी, जानमाज हम उसमें से भी थोड़ा सा चॉइस कर लेते हैं कौन सी लेना है, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है फ्रेंड। जानमाज कोई भी हो, बस नमाज पढ़नी चाहिए फ्रेंड्स, नमाज पढ़ के जिसने दिया है उसको सवाब पहुंचाना चाहिए कि, हाँ मतलब जो भी, मतलब हम ये कहना चाहते। ये देखिए जानमाज मैंने ये वाली ले ली है, और एक जो है ये वाली, कितने ज़्यादा प्यारे कलर लग रहे हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा। बाद में देखेंगे, अभी ऊपर भी रखी हुई है ना, उसमें हल्की होगी तो एक हल्की कर लेंगे, अब इतने रखने की भी तो इतनी जगह होनी चाहिए फ्रेंड्स।
से गुजरा दिया तुमने। सही रखा था हमने, तोड़ ना देना कहीं अम्मी। अरे ऊपर से बना तो है इसमें, ऐसे ही रहने दो, ये बना ऐसे ही दिख जाएगा, वो ऐसे ही है बस अंदर। ये मामला खोलो इसके, ये मामला है इसमें। मैं सब गिरेगा देखना। चलो चलो पास दिखाइए। धनिया मिर्च, धनिया मिर्च आएगी। ये रहे वाटर कूलर फ्रेंड्स, ठंडी में पानी पिलाने के लिए राहगीरों को। ढक्कन नीचे की तरफ गुजर रहा है। ओह माय गॉड, इसको खोलेगा कैसे? खोलते हैं और डिब्बा टूट जाएगा तो टूट जाए, वैसे भी जाके इसको अभी खोलो इसको। पहले देखिए वाटर कूलर कितना अच्छा है, चटाई का बना हुआ है फ्रेंड्स, ये चटाई वाला प्रिंट है इसमें। और ये हमने स्टील के कंटेनर्स भी लिए हैं। सेब है, बचा है कुछ? फिर उसके बाद ये है, कल नहीं, कल का नहीं है, अगले हफ्ते का व्लॉग है। उसके बाद हाँ, उसी के दूसरे दिन का व्लॉग है। और उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ फर्नीचर देखने के लिए, संगीता के, इसके पास अच्छे फर्नीचर मिलते हैं। बड़े सोफे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ जीने को देख के, हमारे जो घर है ना, तो उसको देख के लेना पड़े, क्योंकि अभी से इतने हैवी सोफे लेने के बाद वापस तो होते नहीं और चीज़ बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे कोई चीज़ पैसा नहीं फंसानी चाहिए, पहले घर को देख लेना चाहिए किस हिसाब का जीना है, किस हिसाब से चढ़ेगा। क्योंकि अगर रोड का होता तो फ्रेंड चढ़ जाते छज्जे वज्जे, खिड़की वाला घर हो इतनी चौथी मंजिल पर कौन चढ़ाएगा छज्जों से, और चीज़ ख़राब होगी। इतने मुसीबत से माँ बाप देते हैं और चीज़ वेस्ट हो तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो हर जगह देख के सूझबूझ के, तो बस फिर हम लोग ने सोचा कि कस्टमाइज़ कराएंगे जिस हिसाब से होगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग, ये कल का व्लॉग, कल संडे था, कल का व्लॉग हम लोग गए थे कृष्णा हॉस्पिटल के बगल में, बहुत ही बड़ा सा शोरूम, आपने देखा होगा टाटमिल चौराहे पे, जब नीचे उतरेंगे आप जब ही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान था, तो यहीं पे हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से हम लोग कस्टमाइज़ कराएंगे। वो कहेंगे ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर दे के आ गए थे। उसके बाद जो है अब उन्होंने नेक्स्ट अगले महीने बुलाया है, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो बस ये है आज का व्लॉग, अभी हो आप लोग को पसंद है, पसंद है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।